नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। भले ही भारतीय जनता पार्टी से दूर भागता हो मुस्लिम समुदाय, देखिए कुछ अपवाद होते हैं जो वोट देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को भाजपा का विरोधी माना गया है हमेशा। और आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखा कि अखिलेश यादव ने जो इतनी ज्यादा सीटें प्राप्त की पहले के मुकाबले, वैसे भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले बहुत कम सीटें प्राप्त की हैं, पहले के मुकाबले सीटों में जो बढ़ोतरी हुई वह मुस्लिम वोट बैंक की वजह से हुई। और मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने की कोशिश आरंभ से ही की जाती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय को हमेशा एक नसीहत देती थी, उस नसीहत को कभी नहीं माना, कभी नहीं समझा, कभी नहीं सुना मुस्लिम समुदाय ने। काश मुस्लिम समुदाय भारतीय जनता पार्टी की बात मान लेता तो आज इस मकाम पर न खड़ा होता। क्योंकि देखिए, दुश्मन भी यदि कोई अच्छी बात समझा रहा है तो उसे पहले सुन लेना चाहिए, फिर उससे कोई फायदा है या फायदा नहीं है इसका फैसला बाद में करना है, लेकिन कम से कम दुश्मन की बात को सुन तो लेना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। वह क्या बात है जो भारतीय जनता पार्टी समझाती रही और मुस्लिम समुदाय लगातार उसे नजरअंदाज करता रहा, जिसके चलते आज इस मकाम पर पहुंच गया है मुस्लिम समुदाय कि जहां से उभर पाना बहुत ही मुश्किल है, यदि उभरना भी चाहेगा तो कई दशकों का समय लग जाएगा। क्या कहती थी भारतीय जनता पार्टी और क्या कहती रही है, मैं आपको समझाता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव यही कहा है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य कोई भी विपक्षी दल हो, वह मुस्लिम वोट बैंक की सिर्फ राजनीति कर रहा है। वह नहीं चाहता कि मुस्लिम समुदाय अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, वह नहीं चाहता कि मुस्लिम समुदाय का कोई लीडर राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा हो जाए, वह सिर्फ मुस्लिम समुदाय को कठपुतली बनाकर रखना चाहता है, उसके वोट बैंक का प्रयोग करना चाहता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय उभर जाए इसके लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किए। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, उसे भी लागू नहीं किया गया आज तक, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी की इस बात को कभी नहीं समझा, कभी नहीं माना। उसका परिणाम आज देखने के लिए मिल रहा है मौजूदा समय में। जैसे कि नुपुर शर्मा के विवाद को आप ले लीजिए, एक विवाद हुआ, बड़ा आंदोलन भी हो रहे हैं हर जगह, बहुत बड़े आंदोलन नहीं कहेंगे, छोटी छोटी टुकड़ी में लोग निकल रहे हैं और आंदोलन हिंसात्मक हो जा रहे हैं। यदि आज मुस्लिम समुदाय अन्य पार्टियों की गोद में ना बैठा होता, उसके पास अपना एक नुमाइंदा होता, एक लीडर होता, तो क्या यह जो प्रदर्शन चल रहे हैं यह हिंसा में बदलते? कभी नहीं। आप खुद देखें, ये छोटे छोटे प्रदर्शन चल रहे हैं, क्षेत्र के लोग निकल कर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और यह प्रदर्शन भंग कर दिए जाते हैं, इनमें हिंसात्मक घटनाएं हो जाती हैं। लेकिन इसी के विपक्ष आप देखें, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में हिंसाएं क्यों नहीं हुई? 26 जनवरी के दौरान वह अलग एक घटना हुई थी जिसमें दो मत हैं, वह एक जांच का मुद्दा है, लेकिन उसमें हिंसा नहीं हुई। लंबे समय तक वह आंदोलन चलता रहा, ठंड और गर्मी दोनों की मार झेली, लेकिन तब भी हिंसा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लीडर था, राकेश टिकैत उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है तब आंदोलन हिंसात्मक नहीं होते, चाहे वह एनआरसी का आंदोलन हो, सीएए का, या मौजूदा समय में जो आंदोलन चल रहे हो। अल्पसंख्यक समुदाय के पास लीडर नहीं है, वह खुद निकलते हैं छोटे लीडर की नुमाइंदगी में, वह नेतृत्व में, और वहां पहुंचते हैं कुछ असामाजिक तत्व, वहां पर हिंसा की घटना को अंजाम दे देते हैं जिससे आंदोलन खराब हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी यही बात लगातार समझाती रही, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं की, जिसका खामियाजा देखने को मिल रहा है। यदि मुस्लिम समुदाय चाहे कि हमारे पास एक लीडर हो तो कौन उतर कर आया आंदोलन करने? ना ही राहुल गांधी आए, ना प्रियंका गांधी आई, ना अखिलेश यादव आए, ना आजम खान आए, ना माम ममता बनर्जी साथ में खड़ी हैं, ना ही लालू यादव साथ में खड़े हैं। कौन सा नेता है आप बताइए विपक्ष का, जो कह रहा है कि हम आपके आगे खड़े हैं, मैं जेल जाऊंगा, मैं लाठियां खाऊंगा, नेतृत्व तो मैं करता हूं, मैं आह्वान करता हूं,
आइए आंदोलन कीजिए, नहीं कोई नहीं है, आपको अकेले ही निकलना पड़ेगा, आंदोलन हिंसात्मक हो जाएगा और आपको जेल भेजा जाएगा, घरों को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी की बात यदि मुस्लिम समझ लेता, मुस्लिम समुदाय समझ लेता, तो आज यह वक्त नहीं देखना पड़ता। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में मुस्लिम समुदाय को समझाने की कोशिश करती थी और यह मुस्लिम समाज की बेवकूफी थी जो उसने समझने की कोशिश नहीं की? इस संबंध में अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।